एक 15 साल का लड़का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तारियों की वजह से कटघरे में खड़ा था। जज ने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले आजाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बोले स्वतंत्रता। कहाँ रहते हो? बोले जेल। ये सुन के जज ने उसको 15 कोड़ों की सजा सुनाई। लेकिन जब 15 कोड़े उसे पड़ रहे थे तो वो चीखने चिल्लाने की बजाय सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, भारत माता की जय। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रशेखर आजाद, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से बहुत बार लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अंग्रेज उसे जीते जी पकड़ नहीं सके। लेकिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों को पता चला कि वो इलाहाबाद के एक पार्क में बैठा है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया, गोलीबारी शुरू हो गई। उसने भी अंग्रेजों का डट के सामना किया, लेकिन जब उसकी बंदूक में लास्ट गोली बची थी तो उसने अपने आप को मार ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कहा था, अंग्रेजों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद जिए हैं, आजादी मरेंगे। एक बार चार लड़के मुंबई घूमने गए और वहां पर उन्होंने एक टैक्सी भाड़े पे की। एक्चुअली उस टैक्सी के ड्राइवर सरदार जी थे। अब हुआ कुछ यूं कि बोरियत की वजह से वो चारों लड़के जोक्स क्रैक करने लगे और उनमें से कुछ जोक्स सरदारों पर थे। जब भी वो सरदारों वाले जोक्स क्रैक करते, सरदार जी को बड़े ध्यान से देखते, लेकिन सरदार जी कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे थे। जब पूरा दिन खत्म हो गया तो उतरते वक्त उन चारों लड़कों ने सरदार जी को कहा कि हमने सरदारों पर इतने जोक्स क्रैक किए, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और 100 रुपए देते हुए कहा कि अगर तुम्हें पूरी मुंबई में कोई सरदार भिखारी मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से 100 रुपए दान कर देना। वो चारों लड़के पूरे दिन मुंबई घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं सरदार भिखारी दिखाई नहीं। तब उन्हें समझ में आ गया कि हम मजाक जरूर उड़ाते हैं, लेकिन इससे मेहनती लोग होते भी नहीं हैं। गाइज, इन सरदारों के लिए एक हार्ट तो बनता है।